नमस्कार मित्रों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जॉलफिक्स 100 कैप्सूल के बारे में। तो इस कैप्सूल का उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो के एंड तक बने रहे, तभी आपको इस कैप्सूल के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। प्राइस की अगर बात की जाए तो 150 रुपये इस कैप्सूल की प्राइस है। और इस दवा को मैन्युफैक्चर करता है जिमिंग्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसमें मिलाया गया सॉल्ट की बात की जाए तो इसमें इट्राकोनाजोल 100 mg मिलाया गया है। तो दोस्तों जान लेते हैं किन किन बीमारियों में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये एक एंटी फंगल दवा है। इस दवा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या हो, प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन का इन्फेक्शन, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों का संक्रमण है, बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जांघों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, पुराने से पुराने खुजली की समस्या हो, फफूंदी संक्रमण हो, रिंग वॉर्म की समस्या हो, पुराने से पुराना चर्म रोग की समस्या हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं डोज के बारे में। तो इस कैप्सूल का डोज रहता है, एक एडल्ट व्यक्ति को एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना है। दोस्तों इस दवा को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि मतली उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में दर्द, लाल चक्कते होना, पेट में गैस बनना, कब्ज बनना, घबराहट। इस दवा को लेने के बाद अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप पहले से किसी प्रकार की एंटी फंगल दवाई खा रहे तो इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। प्रेग्नेंसी महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ, आप अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।